हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चटपट टॉय टीवी। आज की वीडियो में मैं अनबॉक्स और रिव्यू करने वाला हूँ लाइव टेक की तरफ से आने वाला स्पाई ड्यूअल वाइब्रेशन गेम पैड। आप में से बहुत सारे लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बोल रहे थे कि बिलो 1000 रुपीस के अंदर आने वाला है गेम पैड रिव्यू और अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो दोस्तों, ये रहा एक कम प्राइस में आने वाला गेम पैड। इसका प्राइस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा अमेजोन, आप इसका प्राइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस। आप अगर इस गेम पैड को खरीदना चाहते हो तो बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप चाहे तो इस गेम पैड को खरीद भी सकते हो। ये जो हमारा गेम पैड है, विंडोज पीसी के साथ, प्लेस्टेशन के साथ, एक्सबॉक्स के साथ और एंड्रॉइड फोन्स के साथ भी कंपैटिबल है। दोस्तों, इसे ओपन करके मैं आपको मेरे मोबाइल से अटैच करके इसके साथ बहुत सारे गेम्स भी खेल के बताने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर से देखना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर जरूर से लाइक भी कर देना। तो इस तरह के पैकिंग में आता है हमारा गेम पैड, आप देख सकते हो गाइस, काफी इंप्रेसिव पैकिंग है इसकी। बॉक्स के पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखे हैं इसके स्पेसिफिकेशंस। मैं आपको इसके जो जो मेन फीचर्स हैं वो पढ़ के एक बार बता देता हूँ। इसके अंदर है 8-way डायरेक्शनल बटन्स, 12 फायर बटन्स मिलते हैं, 2 एनालॉग स्टिक्स मिलती है, बिल्ट इन 2 मोटर्स है, यानी कि डुअल वाइब्रेशन सपोर्ट करता है हमारा गेम पैड। स्लिप प्रूफ हैंडल डिजाइन है, 1.8 मीटर्स लॉन्ग केबल के साथ आता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो हमारा गेम पैड है वायर्ड गेम पैड है। मैंने आपको अभी तक मेरे चैनल पर जितने भी गेम पैड्स बताए थे वो सारे के सारे वायरलेस थे। ये जो है वायर के साथ आता है। वायर वाले जो गेम पैड्स होते हैं, गेम खेलने के समय हमें बिल्कुल भी डिले देखने को नहीं मिलता है। इसके अंदर टर्बो स्पेशल फंक्शन भी आता है, यहाँ पे देख सकते हो लिखा है स्पाई ड्यूअल वाइब्रेशन गेम पैड बोलकर। यहाँ पे है इसकी MRP। तो चलो अभी फटाफट से इसकी कर लेते हैं अनबॉक्सिंग, यहाँ से ओपन कर लेते हैं इसे। दोस्तों, आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना और ऑल नोटिफिकेशंस को भी जरूर से ऑन कर देना, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं वो वीडियो आप सबसे पहले देख सको। निकाल लेते हैं हमारा गेम पैड इसके अंदर से बाहर। दोस्तों, आप इसका डिज़ाइन देख सकते हो, कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन है। वाह भाई, मज़ा आ गया यार ये गेम पैड देख कर। तो इसके अंदर से भी निकाल लेते हैं हमारे गेम पैड को। मैं अभी बताऊँगा इसके साथ हमें क्या क्या मिलते हैं। तो भाई, इसके साथ हमें मिलती है एक ड्राइवर्स वाली CD। इसे अपने PC में डालकर इसके ड्राइवर्स डाउनलोड करने होते हैं। तो इसे रखते हैं साइड में। 2 केबल्स भी मिलते हैं जैसे कि आप देख सकते हो। ये रहा USB 2.0 केबल अपने मोबाइल में लगाने के लिए, और ये है USB Type-C केबल मोबाइल को अटैच करने के लिए। इन्हें भी रखते हैं साइड में। और ये रहा दोस्तों इसका यूज़र मैनुअल। अगर आप ये गेम पैड खरीदते हो तो यूज़र मैनुअल आपको ज़रूर से पढ़ना चाहिए। तो इसे भी रखते हैं साइड में। तो गाइस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ करीब से हमारा गेम पैड। इसकी ग्रिप देख सकते हो, काफ़ी ज़बरदस्त ग्रिप दी गई है दोनों ही साइड में। बहुत ही कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन है इसका। और ये रहे इसके दोनों स्टिक्स, बहुत ही स्मूथ है दोनों ही स्टिक्स। यहाँ पे इसका डीप पैड, और ये रहे 1, 2, 3, 4 बटन्स। यहाँ पे टर्बो बटन, सेलेक्ट मोड, स्टार्ट, क्लियर बटन्स है। और यहाँ पे इसके ट्रिगर्स, यहाँ पर भी आप देख सकते हो राइट ट्रिगर है, लेफ्ट ट्रिगर है। वाह दोस्तों, इसके जो बटन्स हैं काफ़ी अच्छे लगे मुझे। और इसका केबल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 1.8 मीटर्स का केबल मिलता है हमें। ये रहा दोस्तों, केबल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हो। बहुत बड़ा केबल दिया गया है इसके साथ। दोस्तों, हमारा ये जो गेम पैड है एंड्रॉयड मोबाइल्स के अंदर रेसिंग गेम्स जितनी भी है बहुत ही अच्छी तरीके से सपोर्ट करता है। पर गाइस, आपको फ्री फायर, PUBG या फिर COD मोबाइल खेलने के लिए की मैपिंग करनी पड़ती है। उसके लिए एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा ऐप किस तरह से डाउनलोड करना है और की मैपिंग किस तरह से करनी है। अगर आप रेसिंग गेम्स जैसे कि एसफेल्ट हो गई या फिर बीच बगी रेस गेम हो गई, उसे आप इस तरह का केबल लगाकर डायरेक्ट आपके मोबाइल में खेल सकते हो। ऐप वगैरह डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। ये मेरा मोबाइल जो है Type-C सपोर्ट करता है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने Type-C वाली केबल लगा दी है। ये जो केबल है हमें गेम पैड के बॉक्स के अंदर ही मिली थी। 2 तरह की केबल्स मिली थी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था गाइस। तो इस केबल को मैंने यहाँ से जोड़ दिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा जुगाड़ बिठाया गाइस, ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं मैं यहाँ पे करने वाला क्या हूँ। तो ये एक मेरे पास मोबाइल होल्डर है, ये मोबाइल होल्डर मैंने सेपरेटली खरीदा है। इसके साथ हमें मोबाइल होल्डर नहीं मिलता है गाइस। आप चाहे तो ये मोबाइल होल्डर भी खरीद सकते हो। तो ये मोबाइल होल्डर मैं पहले इससे अटैच कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरह से।
अटैच हो गया है। आप चाहे तो आपके मोबाइल को यहाँ पर इस तरह से भी रख के खेल सकते हो गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो मैंने यहाँ पे एक ये जो मोबाइल होल्डर है सेपरेटली परचेस किया है। तो मेरे मोबाइल को मैं इसके अंदर लगा देता हूँ, इस तरह से लगा दिया मैंने। ओके, अभी देख सकते हो गाइस, तो भाई मोबाइल ऑन कर लेते हैं। पहले हम की मैपिंग का ऐप डाउनलोड करेंगे, चलेंगे सीधा प्ले स्टोर के अंदर और यहाँ पे टाइप करूँगा मैं ऑक्टोपस बोलकर, ऐप का नाम है ऑक्टोपस। ये रहा गाइस, देख सकते हो ऑक्टोपस गेम पैड माउस कीबोर्ड की मैपर, इसे ओपन कर लेता हूँ। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है, इस तरह का ऐप होता है। यहाँ पर देख सकते हो गाइस, मैंने फ्री फायर गेम को इसके अंदर ऐड किया है। अगर आप कोई दूसरी गेम खेलना चाहते हो जैसे कि पबजी हो गई, सीओडी हो गई, आप उस गेम को यहाँ से जाकर डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, तो मैं यहाँ से फ्री फायर ओपन कर लेता हूँ, स्किप करते हैं इसे। ये जो ऐप है फ्री वर्जन में भी अवेलेबल है, आप चाहे तो इस ऐप को खरीद भी सकते हो, वहाँ पे कुछ नए फीचर्स अनलॉक हो जाते हैं। मैं भी यहाँ पे आपको फ्री वाला वर्जन ऐप ही बता रहा हूँ गाइस, आप चाहे तो ऐप को खरीद भी सकते हो। ये जो ऐप है 80 रुपीज में फुल अनलॉक होके आता है। अभी थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूं इसके अंदर। तो भाई हम सीधे आ चुके हैं फ्री फायर के अंदर, चलो। तो अभी मैं आ चुका हूँ सीधा सीधा ट्रेनिंग मोड के अंदर। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे देख सकते हो गाइस सारी की सारी की मैपिंग करके रखी हुई है। ये है राइट स्टिक, आप देख सकते हो राइट स्टिक को जो है मैंने माउस का बटन दिया हुआ है। यहाँ पे कितना स्मूथ चल रहा है आप खुद देख सकते हो गाइस। ये है लेफ्ट राइट जाने के लिए, तो भाई एकदम स्मूथ चल रही है गेम, आप देख सकते हो गाइस। तो दोस्तों आपको की मैपिंग किस तरह से करनी है मैं आपको बताता हूँ। ऊपर जो है यहाँ पे आपको एक ऑक्टोपस का सिंबल दिखाई देगा, इसे टैप करना है, देख सकते हो। यहाँ पे आपको जो बटन जहाँ पे लगाना है आप यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हो। मैंने सारे बटन्स ऑलरेडी सेट करके रखे हुए हैं। अगर आपको कोई नया बटन लगाना है, यहाँ पे आपको प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, इसको टैप करना है। यहाँ पे देख सकते हो सारे आइकॉन्स दिखाई देंगे आपको। दिस गाइस बहुत ही सिंपल है इस ऐप को यूज करना। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ वापस से। तो भाई अभी जो है मैं आपको सारे बटन्स टेस्ट करके बताता हूँ, देख सकते हो। ये रहा जंप, और भाई ये रहा एमिंग के लिए, इस तरह से आप एम कर सकते हो। ये ट्रिगर सेट किया है मैंने शूट करने के लिए। तो भाई यहाँ के भी बटन सेट किया है मैंने, इसे प्रेस करने पर मैप ओपन हो जाएगा। और ये देख सकते हो यहाँ पे हम अपने इक्विपमेंट्स देख सकते हैं, और इसे दबाने पर लोड कर सकते हो आप। तो भाई आप में से बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि गेमिंग चैनल पर नई वीडियो कब आने वाली है। गाइस मैंने वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखी हुई है, शायद मैं कल वीडियो डाल दूंगा गाइस। थोड़ी बहुत ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी बाकी है उसकी, तो थोड़ा सा डिले हो रहा है गाइस, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहूँगा आप लोगों को। बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाई है मैंने, टोटल 30 मिनट्स की एक बहुत ही बढ़िया एपिसोड बना के रखी हुई है, शायद मैं वो वीडियो कल डाल दूंगा। तो आपने अभी तक मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से इसके अंदर आप कौन से भी एंड्रॉयड मोबाइल की गेम खेल सकते हो इस गेम पैड को अटैच करके। तो गाइस अभी मैं आपको मेरे पीसी से भी अटैच करके GTA 5 गेम खेल के बताऊंगा, तो चलो चलते हैं मेरे पीसी के पास अभी। तो भाई ये आ चुका हूँ मैं मेरे रूम के अंदर, ये जो केबल है मेरे पीसी को अटैच कर देता हूँ, ये लगा दिया मैंने। तो चलो भाई अभी खेलते हैं GTA 5 गेम। तो गाइस हम आ चुके हैं अभी GTA 5 गेम प्ले के अंदर। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो मैं इस गेम पैड से गेम को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको 3 कार्स नज़र आ रही होगी, तो गाइस इसकी फुल वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ गेमिंग चैनल पर डालने के लिए। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत मैं आपको गेम प्ले करके बताने वाला हूँ इस गेम पैड के साथ। तो भाई चलो कार के अंदर बैठ जाते हैं,
भाई देख सकते हो बिल्कुल भी कोई भी लैग नहीं है, बहुत ही स्मूथ तरीके से गेम चल रही है यहाँ पे। तो भाई ये निकल चुके हैं हम रोड के ऊपर। दोस्तों मुझे गेम पैड काफी अच्छा लगा और इसके अंदर डुअल वाइब्रेशन मोटर्स भी दी गई है, तो भाई वाइब्रेशन बड़ा ही कमाल का है इसके अंदर। भाई देख सकते हो इस कार को मैं बहुत ही आसान तरीके से कंट्रोल कर पा रहा हूँ यहाँ पे। गेम पैड के अंदर गेम खेलने का मजा कुछ और ही होता है दोस्तों, वो मजा आपको कीबोर्ड पे खेलने में नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। तो भाई यहाँ पे ले लेते हैं एक बाइक, तो यहाँ पे एक रेड वाली बाइक खड़ी है, मेरे को लगता है डुकाटी पैनिगाले है, तो भाई इस पे बैठ जाता हूँ मैं। तो भाई बाइक पे बैठकर भी मैं आपको यहाँ पे गेम प्ले करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ले ली है मैंने एक गन, गन चला के देखते हैं इससे। वाह भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से रेस्पॉन्स है इस गेम पैड का। तो दोस्तों इस तरह से आप इस गेम पैड से आपके मोबाइल के साथ, आपके टीवी के साथ, या फिर आपके पास पीसी है तो पीसी के अंदर भी अटैच करके बहुत ही बढ़िया तरीके से गेम का मजा ले सकते हो। तो भाई ये था इस गेम पैड का रिव्यू। जहाँ तक गाइस इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ मैं, काफ़ी तगड़ी बिल्ड क्वालिटी है इसकी, बहुत ही मजबूत गेम पैड है। और गाइस इसके बटन्स भी काफ़ी ज़्यादा टेक्टाइल है और इसके जॉयस्टिक्स भी काफ़ी स्मूथ लगे मुझे। और ट्रिगर्स आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड दिए गए हैं ताकि कंफर्टेबली हम इस गेम पैड से गेम्स खेल सकें। तो गाइस इस गेम पैड की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, इसके साथ हमें इस तरह के अटैचमेंट्स भी मिलते हैं, बाहर से खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें मोबाइल में अटैच करने के लिए। तो गाइस आपको ये गेम पैड कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। अगर आप ये गेम पैड खरीदना चाहते हो तो बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर खरीद भी सकते हो। दोस्तों मैंने 1 महीने पहले लाइव टेक का ही वायरलेस गेम पैड की भी अनबॉक्स की थी, वो भी खरीदना चाहते हो तो उसका भी बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसका फुल वीडियो भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप चाहे तो वहां से जाकर वो वीडियो भी देख सकते हो। तो चलो दोस्तों अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। कल मैंने एक बहुत ही बड़े वाले RC कंटेनर ट्रक की अनबॉक्सिंग की थी, वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाकर जरूर से देख लेना। यहाँ पे सबसे पहला नाम आ जाता है रोहन भगत, कार्तिक श्रीनिवास, नाबिल चौधरी, देवांश, हरजोत सिंह, रंजन रॉय, इमरान, फरहान खान, सयाल, विशाल छेत्री। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। और दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं।
नेक्स्ट वाली वीडियो में भी मैं 10 लोगों का नाम सेलेक्ट करूंगा जो भी यहाँ पे अच्छे से कमेंट करेंगे और इस वीडियो पर लाइक करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे होती है, एंड मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में और इसी तरह कुछ धमाकेदार प्रोडक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।